अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूं इमरान, आपका दोस्त, और मैं बनाता हूं मजे मजे की नए नए टॉपिक पर वीडियोस। अगर आपको मेरी कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। चौको जैद खा रहा है तो वो बता रहा है कि मैं चौको खा रहा हूँ, तो ये एक कुछ चल रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतने दिनों से वीडियो क्यों नहीं बना पाया और ये क्या मैं अलग अलग तरीके की वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। तो बेसिकली मैं आजकल घर ढूंढ रहा हूँ और घर ढूंढना बिल्कुल ही कोई आसान काम नहीं है। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, अगर आप कभी भी घर ढूंढना चाह रहे हैं दुबई में, तो आपको बहुत ज़्यादा घर देखने चाहिए, क्योंकि एक बिल्डिंग में वन बेडरूम अपार्टमेंट या टू बेडरूम अपार्टमेंट के मल्टीपल लेआउट्स होते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। लेकिन अगर आपको स्टेट एजेंट के पास जाएंगे तो वो ये कुछ नहीं बताएगा, वो बोलेगा इस बिल्डिंग में ये अपार्टमेंट है, इस बिल्डिंग में ये अपार्टमेंट है। तो उससे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है आपको डिसीजन लेने में। लेकिन एक पहले से ही आपका माइंड बना हुआ हो कि आपको फला बिल्डिंग में लेना है या कहीं पर लेना है किसी जगह पर, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि एक ही तरह के वन बेडरूम अपार्टमेंट या टू बेडरूम अपार्टमेंट अलग अलग लेआउट के होते हैं, तो ये बहुत ही ज़रूरी है। दूसरी चीज़, आप जब घर देखने जाने वाले हैं या देखने जाना चाहते हैं, तो दुबई के अंदर सारे घर ओपन नहीं होते, ज़्यादातर घर लॉक होते हैं। तो घर लॉक होते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। जब आप घर वहाँ जा रहे हैं और आपने वहाँ जाके फ़ोन किया एजेंट को कि भाई मुझे घर देखना है, तो वो कहेगा कि भाई अभी तो मैं नहीं दिखा सकता घर आपको। तो उसका सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप ड्यूरिंग द वीक डेज आप जो है एजेंट्स को कॉल करें, उनसे बातें करें और फिर शेड्यूल कर लें एक पर्टिकुलर दिन पे, जिस दिन आपने बाकी एजेंट्स के साथ भी अपनी जो मीटिंग है वो सेट करी हुई है। उससे फ़ायदा ये होता है कि जब आप जाएंगे एक ही जगह पर तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे इन अ पर्टिकुलर एरिया। अब अगर मैं अपनी मिसाल बताऊं तो मैंने कुछ इस तरह से किया कि मैंने लीवान में घर देखना था, तो मैं लीवान में जाने से पहले मैंने एक लिस्ट बनाई, मल्टीपल एजेंट से व्हाट्सएप पे बात हुई, डिफरेंट वेबसाइट के थ्रू मुझे उनके कॉन्टैक्ट्स मिले, और फिर मैंने एक लिस्ट बनाई, उसमें मैंने बिल्डिंग नंबर और अपार्टमेंट नंबर लिख लिया। उसके बाद मैंने उसको GPS पे देख लिया कि कौन सी बिल्डिंग किसके करीब है और कहाँ पे क्या है। उसके बाद मुझे बहुत ही आसानी हुई और फिर मैं एक दफ़ा में, एक दिन में, एक घंटे में अराउंड 6 से 7-8 घर देख सकता था इजीली। जबकि मैं जब लास्ट टाइम गया था, आई वाज सो कंफ्यूज, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं यहाँ से वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ से वहाँ जा रहा हूँ, दूसरी बिल्डिंग है, एक ही रोड पर मैं 3 बार गुजरा, मुझे नहीं पता था कि मुझे वापस यहीं पर आना है, तो उससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया था। तो आपका अगर होमवर्क स्ट्रांग होगा तो आपको घर ढूंढने में आसानी होगी। तो ये तो हो गया घर ढूंढने का पार्ट। इस पे मैं और भी वीडियोस बना चुका हूँ कि आपको अगर घर ढूंढना है तो आपको क्या चीज़ देखनी चाहिए, तो ये दो चीज़ें हैं। और अगर आप घर ढूंढ रहे हैं, आपको वेबसाइट का पता करना है, तो वेबसाइट के लिए मैं 3 वेबसाइट हैं जो मैं बताऊंगा, जिसमें से नंबर 1 वेबसाइट है byhoon.com, फिर है Dubizzle, और फिर लास्ट पे आती है प्रॉपर्टी फाइंडर। अलग अलग तरीके के एजेंट और अलग अलग तरीके की चीज़ें होती हैं इन वेबसाइट्स पर, लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से Dubizzle पे प्राइसेस जो हैं वो कम होती हैं, तो आपको ज़्यादा निगोशिएशन नहीं कराना पड़ता। लेकिन अगर आप बाकी वेबसाइट्स की बात करें तो उन पे थोड़े से जो एजेंट्स होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा चार्ज कर रहे होते हैं, या फिर आपको निगोशिएट कराना पड़ता है। तो ये जो है बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको देखनी चाहिए घर शिफ्ट होने से पहले। अब आप घर शिफ्ट करने के लिए, आपको घर जब आपने ले लिया है तो आपको क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जब आप घर डन कर देते हैं तो आपका एग्रीमेंट आपके लैंडलॉर्ड के साथ बन जाता है, और दुबई में लैंडलॉर्ड के साथ जब एग्रीमेंट आपका बनता है तो आपको ओरिजिनल कॉपी जो है वो आपके पास मिल जाती है, जैसे कि आप उसकी पेमेंट कर देंगे, अराउंड फर्स्ट रेंट का चेक दे देंगे, सिक्योरिटी डिपॉजिट दे देंगे और फिर कमीशन दे देंगे। एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जो यहाँ पर याद रखनी चाहिए, वो ये है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट 5% होता है और कमीशन भी 5% होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर एजेंट्स इनको फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से कभी कभी कमीशन ज़्यादा देना पड़ता है। इनफैक्ट मुझे भी, जो मैंने घर डन किया है, आई शेयर दैट विद यू सून, उसमें मुझे ज़्यादा कमीशन देना पड़ा, बट मुझे वो घर पसंद आ गया था एंड आई डोंट हैव एन ऑप्शन, तो इसलिए मैंने वो चूज़ किया। तो ये हो गया आपका काम। जैसे ही आपके पास ओरिजिनल टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा, आपको उस प्रॉपर्टी की टाइटल डीड चाहिए होती है, आपको एमिनेंट आईडी चाहिए होता है लैंडलॉर्ड का, और आपका अपना पासपोर्ट, वीज़ा कॉपी, एमिट्स आईडी, ये सारी चीज़ें होती हैं आपके पास, तो आप उसका इजारी कराते हैं। इजारी इज़ बेसिकली द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ द टेनेंसी एग्रीमेंट, जो आपके टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट को फुली वैलिड और दुबई गवर्नमेंट के लिए रिकग्नाइज कर देता है। उसमें अराउंड 250 तक चार्जेस आते हैं जो कि 1 ईयर तक के लिए होते हैं, उसके बाद आपको हर साल उसको रिन्यू कराना पड़ता है। ये जो है टेनेंट के हिस्से में आते हैं, और जैसे ही आप ये इजारी कराएंगे, इसके लिए 2 ऑप्शन होते हैं,
या तो आपका जो लैंडलॉर्ड है अगर उसने किसी मैनेज प्रॉपर्टी के साथ किया हुआ है किसी स्टेट एजेंट के साथ, तो वो आपका ऑनलाइन सिस्टम अप्लाई कर देगा बट आपसे पेमेंट लेगा। लेकिन अगर हो सकता है उसने ऐसा नहीं किया हुआ तो आपको जाना पड़ेगा जारी कराने। जब आप जारी करा लेंगे तो आपके पास जीमेल पे या ईमेल पे एक लिंक आ जाएगा जिससे आपको कहा जाएगा कि आपका दीवा का कनेक्शन के लिए डिपॉजिट जमा करें, तो उसके लिए आप कार्ड चार्ज कर सकते हैं। जैसे आप ये करेंगे आपका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन भी ऑन हो जाएगा, अनलाइक बिफोर के जाना पड़ता था इलेक्ट्रिसिटी खुलवाने के लिए, और ये सब वो सब टाइम अब चला गया है, सब कुछ काफ़ी स्मार्ट हो गया है दुबई में। तो ये चीज़ें हैं जो आपको ख्याल रखनी है। इसके बाद लास्ट चीज़ जिसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी वो होता है एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन। अब इंटरनेट कनेक्शन के लिए मैं एक प्रो टिप आपको देना चाहता हूँ, और वो ये है कि आप अगर इंटरनेट लगाएंगे वेबसाइट से, जैसे कि ईति सलाह की वेबसाइट या डू की वेबसाइट, तो वहाँ पे आपको स्टैंडर्ड पैकेज मिलेगा। लेकिन ऑल ओवर द दुबई लोग जो हैं वो सेल्स टीम जो है वो घूम रही होती है, और आप अपने वॉचमैन से पूछ सकते हैं कि यहाँ पे कौन आता है सेल्स से ईति सलाह की इसकी, तो वो आपको एक अच्छी डील ऑफर करेगा एंड मोस्ट प्रोबेबली 2 months फ्री या फिर एट रिड्यूस प्राइसेस, इस तरीके का कुछ आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये चीज़ें आप फॉलो करेंगे और आपको एक अच्छी डील मिल जाएगी इंटरनेट कनेक्शन के लिए। लास्टली, बहुत सारी बिल्डिंग्स में जब आप मूव करें उससे पहले आपको एक परमिट चाहिए होता है जो कि सिक्योरिटी के लिए होता है दुबई में। अनलाइक शारजा में ऐसा नहीं होता, ज़्यादातर बिल्डिंग्स में आप जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं, बट इन दुबई यू नीड टू टेक अ स्पेशल परमिट फ्रॉम द बिल्डिंग और द कम्युनिटी कि आप यहाँ पे मूव हो रहे हैं। तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लेंगे, आपको रजिस्टर करेंगे, उसके बाद आपको परमिशन देंगे, और किसी किसी जगह पे आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट भी देना पड़ेगा। तो जब आप सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करेंगे उसका मकसद ये होता है कि अगर आपने किसी भी कॉमन पाथवे या किसी भी चीज़ को डैमेज किया तो वो आपको भरना पड़ेगा। वेल दैट सेड, ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको एक नए घर ढूंढने के बाद जो चीज़ें होती हैं, जो स्टेप्स होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट मैंने आपको बता दी है। जो आपको ढूंढना हो घर और आप नए घर ढूंढ रहे हो तो उसके लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। तो दोस्तों ये है, मैं दोबारा एक वीडियो बनाऊंगा बहुत ही जल्द जहां मैं अपने नए घर जाऊंगा, जैसे मुझे ये जारी और ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं फिर मैं आप लोगों से शेयर करूंगा जो मैंने घर फाइनलाइज किया है। तो अपना ख्याल रखिएगा और फिर हम मिलेंगे दोबारा फिर एक नए वीडियो के साथ। सी यू।